किसी जगह पर दो बूढ़े आदमी रहते थे। ये बेचारे दोनों एक ही झोपड़ी में इसीलिए रहते थे कि बहुत गरीब थे। इनकी बेगमात और बच्चे इनसे दूर शहर में रहते थे। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर इन दोनों बूढ़े आदमियों ने इकट्ठे रहने का फैसला किया। ये दोनों इसीलिए घर से झोपड़ी में मुंतकिल हो गए थे ताकि इनका बुढ़ापा तो आराम और सुकून से गुजरे और इन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में कुछ तो सुकून नसीब हो। ये दोनों बूढ़े आदमी इसीलिए भी कोई काम नहीं करते थे कि इस बुढ़ापे में इतनी सख्त और हिम्मत नहीं रखते थे। एक दफा खुदा का करना ऐसा हुआ कि इनके जगह के करीब मस्जिद से ये ऐलान हुआ कि किसी माँ बाप का बच्चा गुम हो गया है, जो कोई भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 बतौर इनाम दिया जाएगा। जब इन दोनों बूढ़े आदमियों के कानों तक ये ऐलान पहुंचा तो इनमें से एक ने बच्चा ढूंढने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरे बूढ़े ने सोचा कि अगर वो बच्चा ढूंढने की कोशिश करेगा तो इसके वारे न्यारे हो जाएंगे और इसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी सुख चैन से गुजार सकेगा। चनाचा वो अगले रोज बूढ़ा आदमी खुद ही बच्चा ढूंढने में शहर जाने की जदोजहद करने लगा और बच्चे को झोपड़ी से लेकर शहर तक हर जगह तलाश करने लगा। इस दौरान दूसरा बूढ़ा आदमी झोपड़ी में ही रहा और वो सोचने लगा कि अगर इसका दोस्त दूसरा बूढ़ा आदमी अपनी कोशिश में कामयाब हो गया तो वो अपना नया घर बसा लेगा, मगर इसे नाकामी से दो चार होना पड़ेगा। दूसरा आदमी सुबह से लेकर शाम तक बच्चे ढूंढने में लगा रहा और बिलआखिर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ और बिलआखिर बच्चा इसे मिल गया। वो खुशी से सरशार हुआ और उसने बच्चे को अपने साथ लिया और वापस अपनी झोपड़ी में आकर बच्चा माँ बाप के हवाले कर दिया। बच्चे के माँ बाप ने वादे के मुताबिक 50,000 रुपए का चेक बूढ़े को दे दिया। बूढ़े आदमी ने 50,000 रुपए पाकर इतनी खुशी का इजहार किया जिसका कोई एहसास नहीं था। बूढ़ा 50,000 रुपए पाकर वापस झोपड़ी में गया, जहां इसने देखा कि बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और गालबन इसे कोई कत्ल करके गया हो। जिस आदमी ने इनाम जीता था वो झोपड़ी से निकलकर शहर की तरफ चला गया और इसने वहां एक घर खरीदा और खुशी से रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से उसने मेहनत की वजह से अपनी जिंदगी बना ली।